हाय एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपके हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो, किस तरह से आपसे ग्रामर सेक्शन यानी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज 30 टॉप इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सॉल्यूशन वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आज जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस यानी 2018 से लेकर 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए सभी प्रकार के रेशनों में पार्ट वन से लेकर पार्ट टू में आपको सभी प्रश्नों को बताने की कोशिश करूंगा जो ग्रामर सेक्शन से पूछे गए हैं। आज मैं लेकर आया 30 क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली जो पूछे जाने वाले पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन रेशन आज मैं लेकर आया, तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। और उस स्टूडेंट तक ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे जैकपॉट क्लास 11 2023 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 के लिए जो 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, और मैं स्टूडेंट चैलेंज करता हूं कि आप आंखें बंद करके इन सब क्वेश्चनों को रट ले, 100% नहीं बल्कि 200% यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं और एक ही क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आपके पेपर में किस तरह से पूछे जाने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधित किए किस शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिए किस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, महोदय। क्या बोलते हैं, महोदय। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक एक क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, और अगर कोई मेरा ऐप से स्टडी कर रहे हैं यानी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कोई ऐसा स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए पीडीएफ आपको हमारे माध्यम से आपको मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। विदाउट कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे बैच को परचेस नहीं किए जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023 जिसमें 100% क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जिससे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, अच्छी तरह से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 में क्लास 11 का वो क्वेश्चन आप परचेस कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पेपर यानी 2023 के पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। वहां भी डिस्कशन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करवाए जा रहे हैं ताकि आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी, सर हमें एडमिशन लेना है, तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन के साथ साथ हमारे टेक्निकल टीम के नंबर दिए हैं, उस नंबर के माध्यम से आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं 9122888 60 पर लोग व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर हमें 149 में और क्या क्या मिलने वाले हैं। तो डिस्कशन वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे और चैनल पर बने रहें। पीटीआई क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि पीटीआई क्या है, तो पीटीआई डिस्कशन हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पता है क्या है, समाचार एजेंसी। क्या है, समाचार एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिस्कशन इन चारों विकल्प में से कौन से विकल्प ऐसा है जिसका राइट आंसर होगा। तो मैं मूव करता हूँ अगला क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा भूल भाव सक्रिय रहता है। तो डिस्कशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए वो है जिज्ञासा। क्या हो जाएगी, जिज्ञासा। आप लोग चाहते हो कि सर हम लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए, तो याद रखेंगे डिस्कशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। मैं लाइव क्लासेस में ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा डिस्कशन जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आप चाहते हैं कि सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन का, जो भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 ग्रामर सेक्शन यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, चाहे आप हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव लिए हैं, दोनों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में करवा रहा हूं डिस्कशन। आप लोगों को अच्छी तरह से स्टडी करना है और आप चाहते हैं कि सर हमें सभी क्वेश्चन को संग्रह चाहिए, यानी याद रखिएगा डिस्कशन पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्ट 1, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए डिस्कशन आप लोग बिल्कुल चैनल पर जुड़े रहे। सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो जिम्मेदारी डिस्कशन किसकी होती है, पत्रकार, पत्रकार का। इसका डिस्कशन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए डिस्कशन ये कहां पे पूछा गया, 2019 के पेपर में सभी प्रश्न डिस्कशन इसी तरह से होंगे। ये भी क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया है कि समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है। जो समाचार है इसके इंट्रो और मुखड़ा का क्या आशय है, तो याद रखेंगे समाचार का आरंभिक अनुच्छेद क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ए।
अगला प्रश्न क्या आते हैं कि प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से का हिंदी रूपांतरण है, यानी प्रतिवेदन शब्द को साधारण भाषा में कहा गया कि प्रतिवेदन शब्द जो है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद देखिए उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आपको आमतौर पर बताना है, कार्यालय पत्र को हम लोग बोलते हैं औपचारिक पत्र, और जैसे माता पिता भाई बहन या दोस्त अहबाब को जो हम लोग पत्र लिखते हैं उससे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। और याद रखिए ऑफिशियल से रिलेटेड कोई पत्र लिखते हैं तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल क्षेत्र का औपचारिक पत्र। आपको बताना है क्वेश्चन कि इसमें बताना आमतौर पर कार्यालय पत्र पूछा गया था क्या होगा, औपचारिक पत्र, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आता है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संपादन कार्य करना क्या कहलाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, जनसंचार। क्या बोलते हैं? जनसंचार, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, विचारों के आदान प्रदान के इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, यानी अपना बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना प्राचीन यानी पूरे पहले जमाने में किस माध्यम के द्वारा होती थी, याद रखिएगा पत्रकारिता से। क्या होती थी? पहले के जमाने में इंटरनेट था ना, टेलीफोन था और ना ही फैक्स थे, याद रखेंगे किसके माध्यम से होता था, पत्रकार, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निम्नलिखित में से पत्रचार का कौन सा प्रकार है, इसमें उनको बता रहे हैं पत्रचार का कौन सा प्रकार है, तो पारिवारिक पत्र भी सही है, व्यावसायिक यानी जो व्यापारी से रिलेटेड होते हैं, और पारिवारिक मतलब उद्देश्य जिसे हम अपने भाई को लिख रहे हैं अपने सिस्टर को लिख रहे हैं उसे हम लोग पारिवारिक शब्द कहते हैं। सरकारी भी क्या है, प्रकार का पत्रचार है, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कामकाजी हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या है, यानी कामकाजी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बताना है कि कामकाजी का आपको बताना हिंदी का अन्य प्रचलित नाम क्या होगी, याद रखेंगे व्यापारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी और परियोजना मूलक हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, डी इसका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि प्रतिवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रतिवेदन पत्र को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा आधिकारिक पत्र, किससे जानते हैं, आधिकारिक पत्र, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सॉल्यूशन वीडियो का अगर देखने के बाद प्रोसेस आप लोगों को अच्छा लग रहा तो लाइक करना ना भूले, और आप लोगों के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग क्लास 11 में अच्छे अंकों से पास होकर अपने स्कूल में टॉप होके अच्छे अंकों से पास होने के बाद अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के बाद आप क्लास 12 में जाएंगे। आपका परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट अगर अच्छा रहे तो क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट आपको उसी तरह से परफॉर्मेंस के साथ आपको तैयार करना है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम में व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, उस पत्र को हम लोग बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र। क्या बोलते हैं? अर्धशासकीय पत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला पत्र क्वेश्चन है कि शासकीय पत्रों में निम्न में से कौन क्या अनावश्यक है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि शासकीय पत्र में इनमें से क्या है जो अनावश्यक है यानी अनयूजफुल है, तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा व्यक्तिगत शैली। क्या हो जाएगी? व्यक्तिगत शैली, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मौका दे, पत्र लेखन क्या है, इसमें आपको बताना है कि पत्र लेखन क्या है, तो पत्र लेखन जो डिसीजन है इसमें आपको बताना है पत्र लेखन एक कला है, विद्या है और विचारों के विनिमय का माध्यम भी है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। आंख बंद करके डिसीजन, इन सब क्वेश्चनों का आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है क्योंकि 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बता रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे बैच को परचेस नहीं किए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे बैच को परचेस करने की कोशिश करें जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। इसमें स्टूडेंट आप लोगों को 100% क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, कोई आपके से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं ओनली फॉर 2 महीना में यानी 2 मंथ में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और आप वो क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद यानी हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद मात्र 149 में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। और क्लास 11 में डिस्ट्रिक्ट आपको वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर हमें वो क्वेश्चन चाहिए तो फिर बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें, और आप किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है आप इस नंबर को नोट करेंगे
888 60। ये नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे तरह से व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे टेक्निकल टीम को आप पूछ सकते हैं कि हमें 149 रुपए में और क्या क्या मिलने वाले हैं। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि जो औपचारिक पत्र है उसमें सर्वप्रथम क्या लिखी जाती है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पत्र भेजे जाने वाले का पता। क्या लिखते हैं? पत्र भेजे जाने वाले का पता लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माता के नाम पत्र, यानी माता को हम लोग जो पत्र लिखते हैं उसे हम लोग औपचारिक बोलते हैं, अनौपचारिक बोलते हैं, या औपचारिक और अनौपचारिक दोनों बोलते हैं। आपको बताना है किसे आप याद रखेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे बोलते हैं? जो औपचारिक पत्र हम उसे कहेंगे जो हमारे कार्यालय में काम आते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है कि शिकायती पत्र पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा औपचारिक पत्र। शिकायती यानी शिकायत, हमने मान लेते हैं कि कोई हमें शिकायत करना है तो हमें कहां पे जाना पड़ेगा, किसी के ऑफिस पे, ना कि हमारे अपने सिस्टर को हमें पत्र लिखना पड़ेगा, ना अपने ब्रदर्स को लिखना पड़ेगा, या ना अपने भैया को लिखना पड़ेगा, ना अपना मम्मी को या पापा को लिखना पड़ेगा। हमें शिकायती पत्र लिखना है तो हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। विदाउट ऑफिस के आप किसी भी कलेक्ट नहीं कर सकते, उसे हम लोग बोलते क्या औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र शिकायती पत्र क्या होगा इसमें औपचारिक। आता है अगला क्वेश्चन, अपने से छोटे को पत्र में क्या संबोधित किए जाते हैं। तो हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं क्या होगा चिरंजीवी, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब कोई कार्यालय पत्र एक साथ अनेक राज्यों मंत्रालय विभागों अधिकारी अथवा कर्मचारी को भेजा जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या। याद रखिएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, परिपत्र या गस्ती पत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। संचार क्रांति जब थी उस समय अभी के तौर पे कौन सा ऐसा प्रारूप है जो बंद हो चुके हैं। याद रखिए क्या होगा तार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन कार्यालय प्रारूप नहीं है, इसमें आपको बताना है कार्यालय प्रारूप नहीं है तो आवेदन पत्र क्या हो जाएगा, आवेदन पत्र इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को आपको इन सब क्वेश्चन को ये क्वेश्चन जैसे कार्यालय ज्ञापन के संबंध में पहले जमाने में ये सब पूछा गया रेशन, ये सब आपको स्टडी नहीं करना है। इन सब क्वेश्चन को आपको पहले तरीके से ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूं अभी फिलहाल। सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है, तो उसके बाद जो हम लोग लिखते हैं विषय। क्या लिखते हैं? विषय। किस विषय के बारे में हम लोग लिख रहे हैं ये भी बहुत ही फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लेटर लिखने से नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि हम लेटर में किसके लिए लिख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष द्वारा। याद रखेंगे उत्तम पुरुष में जो सचिवालय के सभी का सभी पत्र है उसे हम लोग बोलते हैं क्या उत्तम पुरुष में। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं 2023 की एग्जाम के लिए, तो उनके लिए एक बैच स्टार्ट हो चुका है। याद रखेंगे एक बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है टारगेट 2023। इसमें आपको डायरेक्टली 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हर धर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट हो जो अभी तक नहीं जुड़े तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज में आप वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, वो क्वेश्चन परचेस कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो सो किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होगी कि सर हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से आप वो व्हाट्सएप से डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें और इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं। तो 9122888 60 ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो डिस्टर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को ग्रामर सेक्शन से यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड एक सेकंड पार्ट होना चाहिए जहां पे हम लोग देखेंगे और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग कॉमेंट सेक्शन बताएं और ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट को सेंटर 2023 एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक।